इस भर्ती की जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 31/10/2022 यानी कि 31 अक्टूबर तक आप यहां पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। आपको यहां पर कांस्टेबल की वैकेंसी दी गई है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आपको यहां पर सभी कैंडिडेट को करने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी पुलिस विभाग की ओर से यहां पर नई भर्ती निकाली गई है और बंपर भर्ती आपको यहां पर इस बार मिलने वाली है। और सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट अगर आप है, यानी कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको जहां पर वैकेंसी दी गई है 3484 वैकेंसी दी गई टोटल, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जहां पर दौड़ लगानी होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए आपको यहां पर 7 मिनट का समय भी आपको दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो यहां पर इस भर्ती की होगी, ऑनलाइन मोड से आपको यहां पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर किस प्रकार से आवेदन करना है, कितने यहाँ पर आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में आपको वहाँ पर भी पिन कर दिया गया है। आपको जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, यानी कि जो आपको टोटल वैकेंसी मिलने वाली है 3484 वैकेंसी दी गई टोटल, जो पोस्ट नेम होगा कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी कि आर्म पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती की फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए 6.5 प्लस, अगर आप SST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 7 मिनट का समय आपको भी दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सबिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, उससे इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा यानी दौड़ आपकी हाइट ना पी जाएगी, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में आपके यहाँ पर मेडिकल एग्जाम रहने वाला है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हमने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। वो आपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया हो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो 23,500 लेकर 17,650 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, UR जनरल OBC के लिए 400 रुपये रहेगा और SC ST फीमेल के लिए 200 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। और आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग द्वारा आप इनको पे भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 18 से 28, SST कैंडिडेट के लिए 18 से 30, जो एज काउंट की जाएगी 31 अक्टूबर तक की जाएगी, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से कम होने यहाँ पर 25 से ज़्यादा हो, यानी कि आपको जो यहाँ पर छूट दी जाएगी SST वालों 5 की दी जाएगी, OBC वालों को यहाँ पर 3 छूट भी आपको दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल को पहले बता
आ चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए 19 सितंबर से यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 31 अक्टूबर तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। और जो ऑनलाइन अमाउंट सबको यहाँ पर अपनी फीस पेमेंट करनी होगी उसकी डेट यहाँ पर 3 नवंबर रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जहाँ पर लिखा हुआ है आपको उस पर क्लिक करना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिंक भी प्रोवाइड किए गए हैं। 420 पोस्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा और 3064 वैकेंसी के लिए आपको नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन आप हमारी वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगा। तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कॉन्स्टेबल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। 19/9 से यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 31/10 यानी कि 31 अक्टूबर तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। जो फीस पेमेंट की डेट रखी गई है वो 3 नवंबर रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके आवेदन कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, लेकिन कम से कम अगर वीडियो पर 300 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर दो लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। 3064 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और 420 वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर इस पेज पर दी गई है। कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी टोटल वैकेंसी रहने वाली है उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।